हेलो एवरीवन, आज भी मैं पांच चार्ट लूँगी। सबसे पहला है 25/4/1962 4:50 AM जूनागढ़ गुजरात। माय फ्यूचर, हाउ मैनी इयर्स माय लाइफ। अगेन मीन लग्न है तो गुरु कहाँ बैठा? लास्ट में बैठा। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, आपको कभी नाम नहीं मिलेगा। और आपको देने वाले कौन है? शनि। तो आपकी महादशा चेंज हो रही है। अभी राहु की महादशा है, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन गुरु की महादशा में आपका थोड़ा आई चलाई शुरू हो जाएगा। देखिए, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि कब क्या होने वाला है। मैं खुद सच जान के खुश नहीं हूँ। तो जो चीज़ें भगवान ने आपसे छुपा के रखी है, उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई कारण है। मैं तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, स्टबल। राहु नीच का लगन बैठा है, किस हद को पार कर गई हूँ ये मैं खुद नहीं जानती। लेकिन आपको नहीं जानना है, बस आपको अपना कार्मिक अकाउंट काटना है। और फ्यूचर ठीक ठीक है, आई चलाई है, आपके पेशेंस की परीक्षा है और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं धर्म हूँ तो आप मोक्ष हो, मेरा ही साइन है गुरु। धर्म अर्थ काम मोक्ष बचा लिया तो दोबारा से यहीं आना है। कुछ नहीं बचाना, सबका दे दो जिसका देना है। सूर्य एग्जॉल्टेशन बैठा है, मूल त्रिकोण राशि खराब हो रही है आपके। सिक्स हाउस खाली हम सिक्स से नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हेल्थ इश्यूज बहुत रहेंगे और इसमें आप पिता का कर्म भी ले सकते हो, पति का 12th हाउस ले सकते हो, खराब हो रहा है। तो बहुत आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ हिम्मत मत हारो, क्योंकि इसको तो नहीं बदला जा सकता, आप बदल सकते हो। राहु की माँ कौन है? दुर्गा। माँ दुर्गा का पाठ करें आप, ठीक है। और गुरु की महादशा में सो है आपका, लेकिन है तो सही ना, ठीक ठीक है। 23/8/2025 से आपकी गुरु की जब महादशा शुरू होगी तब, यानी इस समय तो स्नेक लटका हुआ है, तो न जी सकते हो न मर सकते हो, एटलीस्ट सांस आनी शुरू हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज में समझा रहे। और अगर आपने माँ दुर्गा को कर लिया तो सारा जहर राहु का कौन निकालेगी? माँ। राहु अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन कहना आपका नहीं मानेगा, आप अच्छे कर्म करके नहीं आए, योर पास्ट लाइफ इज दैट। तो अगर उसकी माँ को बोलेंगे आपका अच्छा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 25/3/1995 4:35 PM बरनाला। कौन सा जेमस्टोन पहनो? पुखराज। आगे चलेंगे। 25/1988 1:57 AM रोहतक। IAS सिलेक्शन होगा या नहीं? किसी और फील्ड में ट्राई करो। सॉरी, आपका IAS का कुछ भी नहीं है। IAS के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है, 2, 6, 10, 11, 10, 11। और मेन सूर्य की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा, रेयर कॉम्बिनेशन। 3 लाख में एक कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट बैठता है। अभी देखा है कर्क लगन का, 94 बॉर्न है बच्चा, और 21 में और IAS में सिलेक्ट नहीं होगा, वो होगा उसमें IPS में। तो मुझे कह रहा था फिर तो आप देख लेना, मैं कहा मुझे मत दिखाओ भाई, अपना जोर दिखाना प्लेनेट के आगे दिखाना। मुझे जो शास्त्रों में बोलने के लिए बोला गया है मैं वही बोलती हूँ। मेरी पर्सनल किसी के साथ, आप सब मेरे बच्चे हो। एक माँ के अपने बच्चों का बुरा चाहती है या बुरा मैसेज देख के बहुत खुश होती है, हर भाव में उनको बचाना चाहती है, जान लगा देगी। मैं वही हूँ, अपनी जान लगा देती हूँ। कोई IAS का नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं है, आप किसी और फील्ड को चुनो। और मैंने सारे कॉम्बिनेशन देखे, कहीं कॉम्बिनेशन, पहले अपना पैशन देखो देन, और इसमें आपका नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। 36/1996 4:44 AM प्लेस जयपुर। मैरिज और मैनी प्रॉब्लम इन माय लाइफ। मैरिज आपकी हो रही है 18/1/2021,
मैरिज का ही टाइम है, 3 साल लगातार, तो मैं 1-2 महीने का निकालूंगी तो वो वर्थफुल नहीं रहता। और जब करो मैरिज, जब प्लेनेट आपको दे रहे हैं, आप ले रहे हो तो शादी के लिए किरण बाबा की जरूरत नहीं, लड़के की जरूरत है, लड़का ढूंढो शादी कर लो। लेकिन प्लेनेट आपको कब दे रहे हैं मैं ये बता रही हूँ। और करियर में अप्स एंड डाउन्स, आपके सारे डिसीजन गलत रहेंगे, और ये सब जैमिनी लगन वाले, मुझे लगता है इसी ईयर के सारे बच्चे मेरे को भेज रहे हैं, 96 बॉर्न वाले। शुक्र मंगल इकट्ठा है और अप्स एंड डाउन्स का भी स्मूथ लाइफ नहीं, डिसीजन गलत रहेंगे। मे बी आप किसी को पसंद करते हो, आपकी फैमिली उसको पसंद नहीं करती है, क्योंकि एक्टिव तो हो चुकी है लेकिन हाँ नहीं आ रही है फैमिली की। सो काफ़ी बातें हैं बट यहाँ हम शेयर नहीं कर सकते। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैरिज आपकी हो रही है 8/1/18/1/2021, यानी इस साल छोड़ के, अगले साल छोड़ के उससे अगले साल जनवरी में ही, ठीक है। और क्या करियर में अप्स एंड डाउन्स आपके रहेंगे ही रहेंगे। आपकी आने वाली महादशा है राहु की, जो कि चेंज सूर्य की, 24/5/2026 से, सॉरी आपकी कुंडली भी अच्छी नहीं है, करियर में सारी जिंदगी अप्स एंड डाउन्स है आपके। अगर आप बात प्रमोशन की कर रहे हो तो इस समय शनि ट्रांजिटिव हुए पड़े हैं 1-1.5 साल से, तो आपकी प्रमोशन होनी चाहिए। और इसके बाद एक प्रमोशन और है, वो 2023 में है, अभी नहीं है। मैं इसलिए इसमें 6 चार्ट ले रही हूँ क्योंकि ना एक का सिर्फ यही क्वेश्चन था जेम स्टोन का, तो लोग बहुत वेट करते हैं, तो इसलिए मैं एक चार्ट आज और ले रही हूँ। 11/6/89, 11 AM हरदोई, शादी शादी के बारे में जानकारी चाहिए। आपके योग बन रहे 27/9/2019 से लेकर 18/3/2020 के बीच में आपकी शादी होगी। तो सिंह लगन है अगेन, और आप सोच समझ के शादी करो, ठीक है। और मैंने बोला था जेमिनी के साथ जाना चाहिए, सिंह लगन वाले सूर्य हैं, इनके साथ एडजस्ट होने मुश्किल है, लेकिन आप जेमिनी के साथ शादी करना। और मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ यहाँ बैठ के, बाकी डिपेंड ऑन आप किससे मैच मेकिंग करा रहे हो, किससे मिल रहे हो। तो आज हमने 6 चार्ट लिए 5 की बजाय, बट उसका एक ही क्वेश्चन था तो फिर मैंने इसलिए 6 चार्ट ले लिए। अगले बार मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय।